लगातार बारिश से प्याज की पैदावार में भारी गिरावट के कारण प्याज की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। नवरात्र में प्याज की मांग भले ही कम रहती हो, लेकिन इस बार भाव बढ़ गया है। पिछले 15 दिन की तुलना में प्याज दो गुना महंगा हुआ है। 15 दिन पहले 25 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 50 रुपए पर पहुंच गया है। मौजूदा समय में थोक मंडी में प्याज 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। दाम बढ़ने का कारण मंडी में प्याज की आवक कम होना है। व्यापारियों का मानना है कि अक्टूबर के अंत तक महाराष्ट्र के बाजारों में नई उपज आने तक यह स्थिति बनी रहेगी। कर्नाटक और राजस्थान में प्याज की फसल बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि महाराष्ट्र के नासिक, अहमदनगर, पुणे, धुले और सोलापुर जिलों और आंध्र प्रदेश के कुरनूल में कीटों के प्रकोप के कारण फसल को नुकसान हुआ है। बाजार के सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक प्याज की कीमतों का पेट्रोल की कीमतों से मुकाबला जारी रहेगा। यानी व्यापारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतें जल्द ही 100 रुपए के स्तर को छूती दिखाई आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।